कि हमारी जो स्टैक मेमोरी होती है वो लीफो पे काम करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या होगा, हमारे पास जो ऐसे स्टैक है, यहाँ पे हमारे पास स्टैक पॉइंटर होता है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर हमारा एक 8 बिट का रजिस्टर है, जैसे स्टैक भी जो है हमारे पास मेमोरी वो रैम का ही पार्ट होती है स्टैक, ठीक है। तो रैम के एड्रेस क्योंकि 8 बिट के, तो यहीं पे कहीं ना कहीं हमारा स्टैक पॉइंटर लोकेट होगा अगर हमें कोई डेटा सेव करना है। बल्कि प्रोग्राम काउंटर को यह होता है कि जब हमारा कहीं से जंप करता है या कॉल इंस्ट्रक्शन आती है तो वो एड्रेस उसको स्टोर करना होता है स्टैक में। प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास नेक्स्ट एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शन का, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच, ठीक है, वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, अब उसको कॉल करना है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उसको डिस्कार्ड करना है, उसको कहीं और रखना है, पहले वो काम करने जाएगा फिर वापस उसको चाहिए वो एड्रेस, तो वो एड्रेस वो स्टैक मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। तो स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा बाहर, ठीक है। तो ऐसे ही जो यहाँ पे एड्रेस ने स्टोर किया, जब प्रोग्राम काउंटर को वापस आने तो इससे एड्रेस वापस ले लेता है पॉप इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो इसमें दो इंस्ट्रक्शन होती है, एक होती है पुश और एक होती है पॉप, ठीक है। पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन में होता है कि पुश में हम लोग मेमोरी मतलब स्टोर करते हैं डेटा स्टैक में, पॉप में हम लोग निकालते हैं। स्टैक पॉइंटर स्टैक के हमेशा टॉप को शो करता है, स्टैक पॉइंटर पॉइंट करा होता है स्टैक के टॉप कहां तक हमारा स्टैक फुल है। तो अगर हमें पुश करना है तो हम पहले स्टैक पॉइंटर को प्लस करेंगे, ठीक है, एसपी विल गेट एसपी प्लस वन, देन डेटा फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर विल बी स्टोर्ड इन द डायरेक्शन पॉइंटेड बाय, इन द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय एसपी। पहले एसपी एक इंक्रीमेंट होगा फिर वहां पर डेटा आके स्टोर होगा। पॉप में क्या होगा, पहले डेटा निकलेगा फिर एसपी डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। एसपी की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 07H, यहाँ पे जो हमारा बैंक 0 का R7 होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट बैंक 0 सिलेक्टेड रहता है। ये भी आप रैम के ऑर्गेनाइजेशन में लिखिएगा, अगर रैम का ऑर्गेनाइजेशन आता है तो आपको ये चीज लिखनी है कि हमारा बाय डिफॉल्ट बैंक 0 सिलेक्टेड रहता है। फ्लैग रजिस्टर में सबकी वैल्यू 00 रहती है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो बैंक है वो 0 सिलेक्टेड रहता है, सही है। उसके बाद एसपी की वैल्यू हमारे पास 07 रहती है, ठीक है। और जैसे ही हम इसमें कुछ भी पुश करते हैं, क्योंकि हमारे ये वाला बैंक इंटैक्ट रहना चाहिए, ये हमारा डिफॉल्ट बैंक है, ये रजिस्टर्स हम लोग यूज करेंगे, तो एसपी की वैल्यू जब 07 होगी रिसेट पे, तो जब भी हमारा कुछ हमें स्टोर करना हो तो एसपी की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, पुश में पहले इंक्रीमेंट होगी, तो वो 08 से वैल्यू स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 0 से लेकर 07 तक की जो वैल्यू है वो स्टैक में यूज नहीं होंगी, तो वो हमारे सारे रजिस्टर इंटैक्ट रहेंगे, R0 से लेकर R7 वाले वो हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोग्राम, ठीक है। ये स्टैक में हो रही है, स्टैक के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लगभग 9 to 10 पॉइंट्स हैं। ये अगर आप लोग देख लेंगे उसमें, अगर सिर्फ स्टैक आता है एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये 10 पॉइंट्स अगर आप लिख देते हैं तो पूरे पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई। SFRs हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शनिंग में काम करते हैं। जैसे टाइमर सेक्शन जो है हमारा, उसमें 6 SFR होते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे सीरियल पोर्ट में 2 या 3 SCON होता है और फिर SBUF होता है, 2 SFR हमारे पास सीरियल पोर्ट में होते हैं। उसके अलावा ये जितने पोर्ट है हमारे वो सब SFR है, पोर्ट रजिस्टर्स होते हैं उसमें। तो ऐसे रजिस्टर जो रैम का पार्ट नहीं है उनको हम लोग जनरल पर्पज रजिस्टर की तरह यूज नहीं करते, बल्कि उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ऐसे हमारा फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर का एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि वो बताता है रिजल्ट के बारे में कि भाई ये रिजल्ट कैसा है, मतलब ओवरफ्लो हो गया है या पैरिटी इसमें इवन है, ऑड है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो, ये सारे रजिस्टर्स हमारे SFR, टोटल 21 SFR है हमारे पास। कितने टोटल 21 SFR है। अगर SFR एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आपको ये बताना है कि SFR हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होते हैं विच हेल्प इन डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। अलग अलग सेक्शन में होते हैं और उसकी एक लिस्ट है पूरी, चाहे तो याद करें 6 उसमें रहते हैं, उसमें कुछ नाम दे देते हैं। और फिर SFR has addresses of 8 bit, ये आप उसमें लिख दिएगा कि SFR जो है हमारे पास वो एड्रेस होते हैं 8 बिट के एड्रेस होते हैं SFR के, लेकिन हम लोग को एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं, हम लोग SFR का नाम लिखते हैं, असेंबलर उसको उसके एड्रेस से रिप्लेस कर देता है, SFR के एड्रेस से रिप्लेस कर देता है और फिर वो एड्रेस यूज होता है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारे पास ऑपकोड्स लिमिटेड है ना, हम लोग बहुत ज्यादा ऑपकोड्स नहीं यूज कर सकते, इसलिए बजाय अलग रजिस्टर के हर एक को अलग ऑपकोड देने के हमने उसको एड्रेस दे दिया एज एन ऑपरेंट काउंट होता है। फिर उसमें ये कि कुछ हमारे SFR बिट एड्रेसेबल, कैसे बिट एड्रेसेबल, तो SFR की जो एड्रेस की वैल्यू रेंज है वो है 80 से FF तक। SFR के एड्रेस 8 बिट के एड्रेस होंगे और वो 80 से लेके FF तक, ठीक है। ऐसे ही कुछ SFR हमारे बिट एड्रेसेबल है,
तो वो जो बिट एड्रेसेबल SFR है यानी उसकी इंडिविजुअल बिट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो उन बिट के भी अलग अलग एड्रेस है और उसकी रेंज भी हमारे पास 80 से FF तक है। जैसे बार के बिट एड्रेसेबल SFR से उनमें जो इंडिविजुअल बिट्स हैं उन्हें भी हमने एड्रेस दे रखे हैं, जिससे कि हमें एक्स्ट्रा ऑपकोड्स ना यूज करने पड़े और उसके भी जो एड्रेस है वो 80 से FF तक है। तो यहां भी 80 से FF तक एक हमारे पास बाइट एड्रेस है जो SFR के, और एक हमारे पास बिट एड्रेसेस हैं जो बिट एड्रेसेबल SFR की इंडिविजुअल बिट्स होते हैं। ठीक है, कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होती है हमारी मूव वाली। ठीक है, इसमें हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, वो अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो सेकंड यूनिट का पार्ट है, हालांकि वो पहले पढ़ाना चाहिए, एड्रेसिंग मोड्स पहले होने चाहिए उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ना चाहिए हम लोग। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अभी हम इससे नेक्स्ट टॉपिक एड्रेसिंग मोड डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक तो मूव वाली होती है, उसके अलावा अब इस मूव के बहुत सारे हमारे पास वर्जन होंगे, है ना। डेटा ट्रांसफर में हमारे पास मूव के अलावा और कौन से होते हैं, एक तो हाँ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में आपको अगर आता है तो उसमें दो चीजें आपको और डिफाइन करनी पड़ेंगी, डेटा पॉइंटर रजिस्टर्स। तो डेटा पॉइंटर रजिस्टर्स में हम लोग के पास तीन रजिस्टर्स है। ठीक है, कौन कौन से हैं, DPTR, R0 और R1। ये हम लोग को डिफाइन करना है कि R0 और R1 ये हमारे रैम के लिए यूज होंगे। ठीक है, और DPTR हमारा दोनों के लिए यूज होगा, रैम एंड रोम, एक्सटर्नल रैम के लिए, एक्सटर्नल रैम के लिए और रोम के लिए, क्योंकि DPTR हमारा 16-bit का। ठीक है, ये हमारा है 16-bit का एड्रेस, तो ये हमारे पास या तो इंटरनल रैम के लिए यूज होगा, R0 R1 दोनों 8-bit के हैं। ठीक है, तीन हमारे पास डेटा पॉइंटर रजिस्टर्स। ठीक है, R0 R1 DPTR, R0 R1 8-bit के, 8-bit के एड्रेस होता है हमारे इंटरनल रैम में, तो R0 R1 हमारे पास इंटरनल रैम के लिए यूज होंगे, R0 R1 एक्सटर्नल रैम के लिए भी यूज हो सकते हैं, हालांकि एक्सटर्नल रैम के एड्रेस होते हैं 16-bit के, एक्सटर्नल रैम 64KB की होती है, तो एक्सटर्नल रैम का जो एड्रेस है वो 16-bit के हैं। लेकिन उसमें फायदा क्या है हम लोग को कि अगर हमने 8-bit दिया तो वो ऑटोमेटिकली शुरुआत वाली जीरो कंसीडर कर लेता है, जो स्टार्टिंग बाइट है 8-bit हमने दी, 8-bit बची, वो 8-bit वो पूरी क्या करेगा, जीरो कंसीडर कर लेगा, बाकी के 8-bit लगा के चल जाएगा। अच्छा, अब पता क्या चलेगा कि हमने एड्रेस दिया 8-bit का, अब इंटरनल रैम में जाना है एक्सटर्नल रैम में, तो एक्सटर्नल रैम की इंस्ट्रक्शन अलग होती है। इंटरनल रैम में हमारे पास होती है मूव और एक्सटर्नल रैम में होती है मूव एक्स, है ना। तो एक्सटर्नल रैम के लिए हमारे पास होती है मूव एक्स और रोम के लिए हमारे पास होती है मूव सी। ठीक है, मूव इंस्ट्रक्शन के तीन वर्जन है हमारे पास, एक है मूव, दूसरा है मूव एक्स और तीसरा है मूव सी। मूव हमारे इंटरनल रैम के लिए यूज होगा, मूव एक्स हमारे पास एक्सटर्नल रैम के लिए यूज होगा, मूव एक्स हमारा एक्सटर्नल रैम के लिए यूज होगा और मूव सी हमारा कोड मेमोरी यानी रोम के लिए यूज होगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, क्योंकि रोम के एड्रेस डिस्टिंक्ट है ना। रोम हम लोग सिर्फ मैक्सिमम 64KB तक का यूज कर सकते हैं, तो 0 से 0FFF तक इंटरनल में रहेगा अगर ये बार हमारा 1 है ना, बाकी के एक्सटर्नल रोम में होंगे, और अगर ये बार 0 है तो सारे एड्रेस हमारे एक्सटर्नल रोम में जाएंगे। तो अगर हमारा मूव सी इंस्ट्रक्शन है तो उसमें हम लोग सिर्फ ये वाला रजिस्टर यूज कर सकते हैं, DPTR सिर्फ हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि DPTR हमारा 16-bit का होता है। ठीक है, तो डेटा मूवमेंट रजिस्टर में, डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस में ये तीन चीजें पहले हम लोग ये बता देंगे कि हमारे पास ये तीन पॉइंटर रजिस्टर्स होते हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट एड्रेस में। फिर आप वो सारे इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, जितने हमारे पास 5 एड्रेसिंग मोड थे हमारे पास। ठीक है, तो उसमें मूव ए कॉमा सबसे पहले तो इमीडिएट आ जाएगा, ठीक है 25H, फिर उसके बाद रजिस्टर, तो मूव ए कॉमा R0, फिर उसके बाद डायरेक्ट ए कॉमा 25H, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ए कॉमा @R0 या R1, कुछ भी कर लिए ये मूव चलता रहेगा। और फिफ्थ जो होगी हमारे पास इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हमारे पास होगा मूव ए कॉमा @A+DPTR। ठीक है, तो इसमें हमारे पास DPTR में पहले A प्लस होगा, फिर वहां पे उस फिर जो एड्रेस हमारा बनेगा वहां से डेटा हमारे पास A में आएगा, और ये हमारे पास जनरली मूव एक्स हो गए, क्योंकि या तो हम लोग एक्सटर्नल रैम से ले लोगे या फिर ये मूव सी होगा।
ठीक है, या तो मूव एक्स होगा या मूव सी होगा, सही है। और डेटा मूवमेंट में ये कि जब भी हम लोग एक्सटर्नल रैम या एक्सटर्नल रोम से एक्सेस करेंगे तो वहां पे तीन कंडीशंस होती है हमारे पास, एक्सटर्नल रोम से डेटा, एक्सटर्नल रोम और एक्सटर्नल रैम, ठीक है। इनसे सिर्फ डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन हो सकती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता एक्सटर्नल रैम के साथ भी। जैसे नॉर्मली रोम से तो होता ही नहीं है, रैम से ही होता है, एड सब्ट्रैक्ट जो भी हमारा ऑपरेशन होगा वो सिर्फ रैम से होता है। इसमें भी एक्सटर्नल रैम के साथ में नहीं हो सकता, सिर्फ इंटरनल रैम से होगा। तो एक्सटर्नल रैम के साथ सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन होगा, दैट इज मूव। सिर्फ डेटा मूव कर सकता है एक्सटर्नल रैम से, और वो भी जो भी डेटा मूव करेगा वो एक्यूमुलेटर से करेगा। सेकंड कंडीशन हमारी है कि जो एक्सटर्नल रैम एक्सटर्नल रॉम है उससे डेटा सिर्फ एक्यूमुलेटर में आ सकता है या जा सकता है, और किसी और रजिस्टर में नहीं आ सकता, सही है। मूव एक्स बी नहीं लिख सकते आप यहाँ पे, मूव एक्स आर जीरो नहीं लिख सकते हैं वहां पर, ठीक है। मूव एक्स ए ही होगा, या मूव एक्स कॉमा जो भी ए प्लस कॉमा बाद में ए होगा, मतलब वहां से डेटा जा रहा होगा बाहर वाली रैम, सही है। चलो उसके बाद डीपीटीआर, जैसे मूव एक्स एड ये चाहिए हमारे पास, मूव एक्स एट द रेट डीपीटीआर कॉमा ए, यही वाले में मूव में अगर मूव एक्स एट द रेट डीपीटीआर कॉमा ए, अगर ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है तो डीपीटीआर जिस लोकेशन को एक्सटर्नल रैम की पॉइंट कर रहा होगा वहां पे हमारा डेटा ए का स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास दो कंडीशंस हैं स्टैक के लिए, पुश एड्रेस और पॉप एड्रेस, ठीक है। पुश जैसे ये पुश 25 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो भी हमारे पास स्टैक पॉइंटर है, पहले हमारे पास एसपी में एसपी प्लस वन होगा, और फिर एसपी जहां पॉइंट कर रहा है वहां पे जाके हमारा डेटा 25H का स्टोर हो जाएगा, ठीक है। 25H से डेटा, अगर हमारे पास दो है हमारे पास इंस्ट्रक्शन, एक पुश और एक पॉप, पुश एड्रेस और पॉप एड्रेस। पुश एड्रेस का मतलब ये, देखो पुश और पॉप दोनों किसके साथ होते हैं, स्टैक के साथ, स्टैक मेमोरी के इंस्ट्रक्शन है दोनों पुश और पॉप, लेकिन ये भी डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। तो अगर हमने पुश एड्रेस लिखा है तो वो जो पुश होगा, जो भी एड्रेस होगा वहां से डेटा स्टैक में सेव हो जाएगा। पुश और पॉप दोनों हमारे स्टैक मेमोरी के ऑपरेशन, ठीक है। पुश में हमें सिर्फ एक एड्रेस देना है, एड्रेस मतलब एक चीज तो उसे पता है कि स्टैक पॉइंटर पे जाना है ना, या उस स्टैक पॉइंटर से डेटा जाएगा या स्टैक पॉइंटर से डेटा आएगा। तो अगर पुश होना है तो उसे चाहिए कि कहां से डेटा लाना है, तो हमने जो भी एड्रेस दिया होगा पुश के बाद जो एड्रेस दिया होगा वो वहां से डेटा लेगा, पहले स्टैक पॉइंटर को प्लस वन करेगा और फिर उस डेटा को स्टैक में स्टोर कर देगा। पॉप, अगर हमने लिखा पॉप और हमने कोई एड्रेस दिया, मान ली 30H दे दिया, तो क्या करेगा, पहले स्टैक पॉइंटर वाले डेटा है वो उठा के उस एड्रेस पर स्टोर करेगा और फिर स्टैक पॉइंटर को वन डिक्रीमेंट कर, ठीक है। ये दो हमारी पुश और पॉप वाली इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे, यहाँ पे मूव होगी, मूव एक्स हो गई, पुश पॉप हो गया। उसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास एक्सचेंज, क्या होती है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज के भी हमारे पास कई वेरिएशन है, XCHA, RR, इसके वेरिएशन आप लोग देख लीजिए, इसमें भी एड्रेसिंग मोड के हिसाब से चलता है। तो इसमें क्या होगा, दो रजिस्टर के कंटेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ए के साथ मैंने कोई एक रजिस्टर का नाम आर जीरो लिखा, तो आर जीरो के कंटेंट ए में आ जाएंगे, ए के कंटेंट आर जीरो में चले जाएंगे, सही है। ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं मेमोरी के साथ भी, कि ए के कंटेंट मेमोरी में चले जाएंगे, मेमोरी कंटेंट ए में आ जाएंगे, ठीक है। रजिस्टर ए के साथ ही ज्यादातर हमारा ये एक्सचेंज चलेगा। उसके अलावा फिर हमारे पास इनडायरेक्ट मोड भी रहेगा उसमें, कि अगर हमने एक्सचेंज ए एट द रेट रजिस्टर पॉइंटर आर जीरो आर वन कोई भी लिया, तो जो मेमोरी लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा होगा वहां से डेटा हमारा एक्सचेंज हो जाएगा। ये हमने यूज किया था जो हमने मिनिमम नंबर या मैक्सिमम नंबर वाला फाइंड आउट करने के लिए प्रोग्राम लिखा था, उसमें हमने एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन यूज किया, ठीक है। फिर हमारे पास एक एक्सचेंज डी होता है, XCHD, तो इसमें हमारा सिर्फ लोअर निबल जो है वो एक्सचेंज होगा, जो हमारा लोअर निबल है बस वो एक्सचेंज होगा, हायर निबल वैसा का वैसे। लोअर निबल हायर निबल याद है, 8 बिट के होते तो लोअर 4 बिट लोअर निबल, हायर 4 बिट हायर निबल, सही है। तो लोअर निबल जो है वो चेंज होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, जिसमें रजिस्टर का नाम हमने लिखा होगा ए के साथ में, और हायर निबल ए का वैसा का वैसे, ठीक है। ये थी हमारा डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। इसके जो प्रोग्राम है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, वो सिंपल, एक तो नॉर्मल कहीं से डेटा में वहां मूव कराना है वो है, दूसरा ब्लॉक ट्रांसफर का प्रोग्राम होता है, ठीक है, कि हमें यहाँ पे 20H से लेके 29H तक का डेटा 30H से लेके 39H में डालना, या उसने ये कहा कि 20H से 10 डेटा मूव कराना है 30H से 10 लोकेशन, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे। ये प्रोग्राम मैंने आप लोग को लिखाया था और ऑनलाइन क्लासरूम में है भी अवेलेबल, मैं दे भी दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो वो उस प्रोग्राम में हमें यही करना है कि एक पॉइंटर को R0 को हम लोग 20H रखेंगे और R1 को हम लोग रखेंगे 30H, सही है। और यहां से डेटा इधर मूव कराएंगे, मूव A@R0, और फिर यहां से डेटा इधर जाएगा, तो मूव @R1, A, सही है। तो यहां से डेटा हमारा सॉरी A से R1 में चला जाएगा, तो R0 जो लोकेशन पॉइंटर है वहां से A में आएगा और A से R1 में चलाएगा। इसके बाद हम लोग दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे, R0 को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, R1 को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अब जो 20 और 30 को पॉइंट करते हैं वो 21 और 31 को पॉइंट करना शुरू कर देंगे, तो अब वो वहां से एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके डेटा हमारा ट्रांसफर होगा, ब्लॉक ट्रांसफर, और इसको हम लूप में डालेंगे 10 बार, इसको चलाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, समझ आई बात। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है, कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई। देखो अगर एड्रेसिंग मोड आते हैं एग्जाम में और आएंगे, क्योंकि ये सेकंड यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि पूरे माइक्रो कंट्रोलर की असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए एड्रेसिंग मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। तो एड्रेसिंग मोड में जब भी हमारे पास आता है तो हमें क्या करना है, हर मोड में तीन चीजें कम से कम लिखनी, ठीक है। एक तो उसका नाम सही से लिखना है, ठीक है, दूसरा उसका एक एग्जाम्पल हमें लिखना है, और तीसरा हमें यह बताना है कि हम इसमें ऑपरेंड कैसे दे, ठीक है। जैसे यहां पर हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड इन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑपरेंड कह सकते हैं, डेटा कह सकते हैं, कि हम लोग इंस्ट्रक्शन में ही हम लोग डेटा उसको दे रहे हैं जिस डेटा से ऑपरेट करना है। जैसे कि हमारे पास है एड A, #25 है, ठीक है, और इसमें हम लोग ये लिख देना कि नंबर के आगे हम लोग हैश यूज करते हैं, जिससे ये पता चले कि ये इमीडिएट डेटा है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इमीडिएट ऑपरेंड है। तो यहां पे क्या होगा, इसका एक एग्जाम्पल लिखना है और फिर इस एग्जाम्पल में कमेंट में लिखना है कि इसमें होगा A will get A plus 25H, ऐसे एग्जाम्पल, और उसको एक्सप्लेन करना है कि इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, सही है, समझ आई बात। तो एग्जाम्पल लिखना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे होगा। ऐसे रजिस्टर एड्रेसिंग में यहां पे हमारे पास ऑपरेंड इन रजिस्टर, रजिस्टर एड्रेसिंग में ऑपरेंड इन रजिस्टर होगा, जैसे @A, R1 या @A, R5, सही है। तो यहां पे क्या होगा, A will get A plus R5, तो यहां पे A will get A plus R5, ठीक है। फिर हमारे पास आता डायरेक्ट, डायरेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम लोग एड्रेस देंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि यहां पे ऑपरेंड इन इंस्ट्रक्शन था, ऑपरेंड इन इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड इन रजिस्टर, अब होगा एड्रेस इन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एड्रेस इन इंस्ट्रक्शन। ऐसे ही इनडायरेक्ट में एड्रेस इन रजिस्टर, डायरेक्ट में एड्रेस इन इंस्ट्रक्शन, इनडायरेक्ट में एड्रेस इन रजिस्टर, और फिर वहां पे हम स्पेसिफाई कर देंगे कि सिर्फ दो रजिस्टर्स हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ रजिस्टर पॉइंटर 8 बिट के लिए, और एक रजिस्टर है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ डेटा पॉइंटर 16 बिट के लिए, ठीक है। तो यहां पर इस जब भी लिखो इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें लिखना है कि हम लोग इसमें जो एड्रेस है वो रजिस्टर में रख के देते हैं, और वो रजिस्टर कौन कौन से होंगे, या तो R0 या R1 या DPTR, R0, R1 और DPTR, ये तीन रजिस्टर्स हैं हमारे पास जिनको हम एज अ डेटा पॉइंटर यूज कर सकते हैं, सही है। फिर इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, मूव A, @R0, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन, ए विल गेट ब्रैकेट में बना के द डेटा फ्रॉम मेमोरी एड्रेस हुज मेमोरी एड्रेस इज इन R0 रजिस्टर, सही है, बनना है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हम लोग ये कहेंगे कि ऑपरेंड का जो एड्रेस है, ठीक है, ऑपरेंड का जो एड्रेस है दैट इज सम ऑफ टू रजिस्टर्स, ऑपरेंड का जो एड्रेस है वो क्या है, सम ऑफ टू रजिस्टर। फिर इसका आप जब लिखेंगे यहां पे कि मूव C A, @A+DPTR, ठीक है, मूव C, @A+DPTR, इसको आप एक्सप्लेन कर दिए कि A के अंदर आएगा डेटा जो मेमोरी लोकेशन पॉइंट होगी A+DPTR से, कि दो रजिस्टर पहले ऐड होंगे, उसके बाद जो वो एड्रेस बनाएंगे उस एड्रेस से डेटा हमारे पास आएगा, जहां पे भी A में हम लोग जनरली लेते हैं वहीं पे आएगा, या फिर यहीं पे अगर मूव A, @A+R0, तो अब यहां पे हमारे डेटा रैम, इंटरनल रैम से हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एड्रेसिंग मोड, पांच एड्रेसिंग मोड है, सबके बारे में दो दो लाइन लिखनी है, एक एग्जांपल लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है, समझ आई बात। तीन चीजें जरूर होनी चाहिए आपके उसमें,
मोड का नाम, उसका एग्जाम्पल और उसका एक्सप्लेनेशन, ये तो जरूर होना चाहिए। ये अगर आपने दिया तो 80% मार्क्स आपको मिल जाएंगे, सही है, 5 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने मोड के बारे में 2-2 लाइनें लिख दी सबके बारे में तो 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ आई बात? ज्यादा नहीं लिखना है, ध्यान रखो हमेशा, कॉपी भरने से काम नहीं चलेगा, कंटेंट उसमें रेलेवेंट होना चाहिए, है ना। जैसे वीडियो चाहे 2 घंटे की हो चाहे 4 घंटे की, अगर कंटेंट रेलेवेंट नहीं आदमी नहीं देखेगा। शॉर्ट्स छोटा सा होता है लेकिन फिर भी कंटेंट होता तो आदमी देखता उसको। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है। कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई। एड के हमारे पास 4 वेरिएशन होंगे क्योंकि हमारे पास 4 एड्रेसिंग मोड्स है। क्योंकि सारे जो एड होंगे वो रैम से हो सकते हैं, रोम से नहीं हो सकते। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हमारा एक्सटर्नल रैम और रोम में जा रहा है, तो रोम से तो वैसे ही एडिशन नहीं होता। और एक्सटर्नल रैम से भी मैंने बताया कि कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ, सिर्फ डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो सारे जो अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन है वो कहाँ होंगे? इंटरनल रैम के साथ, ठीक है, इंटरनल रैम के साथ होंगे सारे के सारे। अब उसमें हमारे पास 4 मोड्स थे, इमीडिएट, रजिस्टर, डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, सही है। तो वैसे यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएशन होंगे। एड ए कॉमा हैश वाला होगा, फिर ए कॉमा 25 एच, फिर ए कॉमा R0, फिर ए कॉमा @R0, सही है, 4 एड के लिए। फिर ऐसे ही 4 हमारे पास एड सी, एडिशन विद कैरी, कि जो कैरी फ्लैग है वो भी एड होगा, वहां पे कैरी फ्लैग एड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट, अगर जैसे हमारे पास कई सारे मल्टीपल 8-bit के हम लोग कंसेक्यूटिव एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, अब उसमें अगर हम पहला बिना कैरी के भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। इसलिए हम कैरी को पहले 0 कर लेंगे, सबसे पहले कैरी को कर लेंगे 0, कि कहीं कैरी पहले से 1 हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैरी वाले फर्स्ट एडिशन हम लोग बिना कैरी का ले लेंगे एड, उसके बाद जितनी ऑपरेशन लेंगे वो सब हम लोग कैरी वाले लेंगे, क्योंकि वो कंसेक्यूटिवली हमें कैरी अगले वाले नंबर में एड करना रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास एड विद कैरी के लिए 4 वेरिएशन होंगे। सेम हमारे पास सब नॉर्मल सब्ट्रैक्ट नहीं है, सब्ट्रैक्ट विद बोरो ही है हमेशा। बोरो कहां स्टोर होता है हमारा? कैरी फ्लैग में। बोरो हमारा स्टोर होता है कैरी फ्लैग में। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, जब हम पहला वो कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग कैरी फ्लैग को क्लियर कर लेंगे, 0 कर लेंगे, हमारे सब्ट्रैक्शन में फर्क ना पड़े, सही है। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट विद बोरो है यहाँ पे, इसके भी 4 वेरिएशन होंगे। मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है, याद है, मल्टीप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है, दैट इज मल ए बी, मल ए बी। ऐसे डिविजन के लिए सिर्फ एक है, डिव ए बी, इसके अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं। तो मल्टीप्लीकेशन में हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए और बी के साथ में, जिसमें कि रिजल्ट हमारा स्टोर होगा लोअर बाइट ए रजिस्टर में, हायर बाइट बी रजिस्टर, क्योंकि लोअर बाइट ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना भाई। अगर हम 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका नंबर 1 में है, सर 2 × 3 = 6, तो दूसरा नंबर आया ही नहीं। अगर 2 × 9 जाएंगे तो 18 आएगा, 1 और 8, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट वाला नंबर है तो हमेशा आएगा, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारी, जो लोअर बाइट है वो हमेशा आएगी, हायर बाइट कभी आएगी या नहीं आएगी। इसलिए लोअर बाइट ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसलिए लोअर बाइट हमारी कहां स्टोर होगी? ए रजिस्टर में, सही है। हायर बाइट हमारी बी रजिस्टर में स्टोर होगी, क्योंकि 8 × 8 का मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम 16-bit हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो 16-bit में से 8-bit जो लोअर बाइट होगा वो ए में स्टोर होगा, जो हायर बाइट होगा वो बी में स्टोर होगा, जब भी हम लोग मल ए बी करेंगे। तो एक जो 2 नंबर हमें चाहिए, एक हम ए में रखेंगे, दूसरा बी में रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मल ए बी से। अब जो रिजल्ट आएगा वो लोअर बाइट ए में स्टोर होगा और हायर बाइट बी में स्टोर होगा। ऐसे ही हम डिवाइड करेंगे तो डिविजन में हमारे पास 2 रिजल्ट आते हैं, एक आता है क्वेश्चन और एक आता है रिमाइंडर। तो क्वेश्चन हमारा ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना, रिमाइंडर कभी आएगा कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो क्वेश्चन हमारा स्टोर होगा किसमें? ए में, जो हमारा एक्यूमुलेटर है, जो रिजल्ट को स्टोर करता है, सही। तो क्वेश्चन हमारा ए में स्टोर होगा और रिमाइंडर हमारा बी में स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स का मसला नहीं है, यहाँ पे डिविजन में क्वेश्चन और रिमाइंडर आता है, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन हमारा ए में स्टोर होगा और रिमाइंडर हमारा बी में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल ए बी डी ए बी। फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट अगर हमने, इंक्रीमेंट के भी हमारे पास बहुत सारे, इंक्रीमेंट में 2 ही हमारे पास वेरिएशन है, या तो उसके साथ कोई रजिस्टर होगा या फिर उसके साथ कोई मेमोरी एड्रेस होगा, सही है। या तो रजिस्टर होगा या मेमोरी एड्रेस होगा। इंक्रीमेंट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड लेके तुम क्या कर लोगे, है ना। तो इंक्रीमेंट के हमारे पास या तो हमें हमेशा इंक्रीमेंट में एड्रेस देना है, रजिस्टर देना है। तो इंक्रीमेंट के साथ या तो INCA, INCR0, INCR1 होगा या फिर उसका एड्रेस होगा, है ना, INC 35H 25H। तो एड्रेस पे जाके वो जो नंबर होगा उसको इंक्रीमेंट करेगा। सेम गोज फॉर डिक्रीमेंट, इसके लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो उसके साथ भी कोई
एड्रेस होगा या फिर उसके साथ जो है वो कोई रजिस्टर होगा, और तीसरा ऑप्शन ये है कि उसके साथ कोई एट द रेट का पॉइंट होगा, है ना। डायरेक्ट अगर डॉक्यूमेंट एट द रेट आर वन है तो जो आर वन जिसको पॉइंट कर रहा होगा वहां पे जाके प्लस कर देगा, ठीक है। तो तीन वेरिएशन हमारे पास डिक्रीमेंट के होंगे, तीन वेरिएशन इंक्रीमेंट के होंगे, और बल्कि इसमें एक और चीज भी हो सकती है अगर उसको अलग अलग रखें तो ये है कि SFR के लिए अलग इंक्रीमेंट ले सकते हैं और नॉर्मल के लिए अलग, जैसे INC A INC B है ना, तो भी चार वेरिएशन भी आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास वैसे डिक्रीमेंट के भी चार वेरिएशन है और इंक्रीमेंट के भी चार वेरिएशन, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वाले में क्या है कि SFR ले लिया कोई भी, ए है हमारे पास नॉर्मली ए रजिस्टर को मोड, अच्छा लास्ट हमारे पास थी इंस्ट्रक्शन DAA डेसिमल एडजस्ट आफ्टर एडिशन। इस इंस्ट्रक्शन को जब हम लोग यूज करते हैं DAA में तो ये हमारे रिजल्ट को चेक करता है, ठीक है। क्या करता है, ये यूज होता है हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। हेक्साडेसिमल को मतलब BCD में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी कोड डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि अब हमारा जो डेसिमल नंबर है उसमें 0 से 9 तक है, ठीक है। तो 9 + 9 होता है 18, लेकिन हेक्साडेसिमल में आएगा 1 2, हेक्साडेसिमल में आएगा 1 2। तो अब क्या करेगा, हमारा ये चेक करेगा उसको, हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो इसमें दो कंडीशन चेक करता है, एक तो चेक करता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को और दूसरा चेक करता है कि नंबर हमारा 9 से बड़ा है या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों में यही चीज चेक करता है कि ये पहले चेक करेगा लोअर निबल के लिए और फिर हायर निबल के लिए चेक करेगा, ठीक है। तो अगर लोअर निबल हमारा 9 से बड़ा आता है तो उसमें 6 ऐड कर देता है, ठीक है, या फिर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हमारा 1 आता है तो उसमें 6 ऐड कर देता है, समझ आई बात। अगर लोअर निबल हमारा 9 से ज्यादा आया तो उसमें 6 ऐड कर देगा, ठीक है, और अगर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हमारा 1 आया तो भी रिजल्ट में 6 ऐड कर देगा, ठीक है। अगर ये फिर ये चेक करता है हायर निबल को, तो अगर हायर निबल भी बड़ा है 9 से तो वो उसमें 60 ऐड करता है, कितना ऐड करता है 60 हेक्साडेसिमल का। तो अगर हायर निबल 9 से ज्यादा है तो 60 ऐड करेगा, और अगर हायर निबल या फिर कैरी फ्लैग वन हुआ है हमारा, कैरी जनरेट हुआ है, तब भी वो उसमें 6 ऐड कर देगा, समझ आई बात। अगर हमारा कैरी ऐड हुआ है तो भी उसमें 6 ऐड करेगा, कैरी जनरेट हुआ है तो 60 ऐड करेगा, क्योंकि हायर निबल में ऐड हो रहा है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कैरी फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 और हायर निबल इज ग्रेटर देन 9 देन प्लस 60, और अगर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1 और लोअर निबल इज ग्रेटर देन 9 देन प्लस 06H, ठीक है। तो अगर लोअर निबल 9 से ज्यादा है या ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 है 6 ऐड होगा, अगर हायर निबल 9 से ज्यादा है या कैरी फ्लैग 1 है 60 ऐड होगा, अगर दोनों कंडीशन मैच हो रही है तो 66 ऐड हो जाएगा, सही है। ये करता है हमारा DA इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने DA इंस्ट्रक्शन लगाया ये चेक करेगा ये चार कंडीशन और उसमें जो भी ऐड करना हो कर देगा, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो रिजल्ट को वैसा का वैसे कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई। इन सब के हमारे पास 6-6 वेरिएशन होंगे, 6-6 वेरिएशन होने का मतलब ये कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले हम लोग एड्रेस भी लिख सकते हैं ANL 25H A, तो अब क्या करेगा ये इन दोनों को एंड करेगा और स्टोर करेगा रिजल्ट को मेमोरी के अंदर जो एड्रेस हमने दिया है, ठीक है। और दूसरा ये कि ANL 25H H20H, मतलब ये मेमोरी के एड्रेस को भी, मेमोरी का जो डेटा है, हमने एक एड्रेस दिया उसमें जो डेटा है उसको इमीडिएट डेटा के साथ में एंड कर सकता है, सही है। तो चार तो वेरिएशन हमारे पास थे ही जिसमें एक ऑपरेंड हमारे पास एक्यूमुलेटर में था, दो हमारे पास और वेरिएशन नहीं है जिसमें के एक तो मेमोरी में जो डेटा है हमारे पास उस डेटा को हम लोग इमीडिएट डेटा से भी लॉजिकल ऑपरेशन करा सकते हैं और जो रिजल्ट है वो मेमोरी में स्टोर हो, या फिर उस मेमोरी का हम लोग एक्यूमुलेटर के साथ करा सकते हैं लॉजिकल ऑपरेशन और रिजल्ट हमारा मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों के हमारे पास 6-6 वेरिएशन रहेंगे। RR होता है हमारा रोटेट राइट, ये वाले सब जो है वो सिर्फ A के साथ होगा, RRA RRC। तो एक्यूमुलेटर को वो रोटेट कराएगा, एक्यूमुलेटर हमारा कितने बिट का है 8 बिट का, सही। तो जब हमारा रोटेट राइट कराएगा तो यहां से जो ये रजिस्टर है राइट मोस्ट बिट जो इसकी LSB है वो यहां से शिफ्ट होकर के MSB में आएगा, ठीक है, और पूरा का पूरा नंबर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर, बाकी सारे के सारे इधर हो जाएंगे और ये हमारा कैरी फ्लैग में भी कॉपी हो जाएगा, जो नंबर बाहर जा रहा है, जो नंबर बाहर होकर रोटेट होके आ रहा है वापस,
वो कैरी फ्लैग में भी कॉपी रहेगा, सही है, और वो जाके फिर LSB हमारा MSB पे आ जाएगा और पूरा नंबर राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेम होगा RL में, RL में यही प्रोसेस होगा लेफ्ट की तरफ कि हमारा MSB शिफ्ट होके LSB में आ जाएगा और यही चीज हमारी कॉपी हो जाएगी कैरी फ्लैग, ठीक है। RL में जो MSB है वो शिफ्ट होके LSB में आएगा यहाँ पे और यही चीज हमारा कैरी फ्लैग में भी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कैरी फ्लैग सिर्फ काम कर रहा है स्टोर करने का, कैरी फ्लैग रोटेशन का पार्ट नहीं है, है ना। अब जो दूसरे वेरिएशन है इसके RRC और RLC, इसमें कैरी फ्लैग भी रोटेशन में पार्ट लेता है, मतलब जो नंबर निकलेगा वो जाएगा कैरी फ्लैग में और कैरी फ्लैग का नंबर जाएगा जहां पे रोटेट होके आना। जैसे अगर हम लोग RR कर रहे हैं रोटेट राइट, तो राइट वाला नंबर जाएगा पहले कैरी फ्लैग में, ठीक है, ये वाला नंबर जाएगा कैरी फ्लैग में और कैरी फ्लैग वाला नंबर जाएगा MSB में, तो LSB हमारा कैरी फ्लैग में जाएगा, कैरी फ्लैग MSB में आएगा, ऐसे करके पूरा नंबर रोटेट होगा। सेम गोज फॉर RLC में MSB कैरी फ्लैग में जाएगा और कैरी फ्लैग LSB में आ जाएगा और पूरा वो नंबर लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये इसके चार इंस्ट्रक्शन हमारे पास रोटेशन के लिए, RRA, RLA, RRCA और RLC, ठीक है, विद कैरी। फिर हमारे पास CPLA कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या करेगा, जो हमारा नंबर होगा पूरा उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, 0 का 1, 1 का 0। CLRA में जो हमारा A रजिस्टर है उसको 0 कर देगा, एक्यूमुलेटर को 0 करने के लिए हम लोग यूज करते हैं CLRA। ऐसे यहाँ पे CPLA, स्वैप में हम लोग यूज करेंगे दो नंबर को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, मतलब सॉरी स्वैप हम लोग यूज करते हैं लोअर निबल और हायर निबल को एक्सचेंज करने के लिए, लोअर निबल और हायर निबल। तो क्या होगा, हायर निबल लोअर निबल की तरफ चला जाएगा और लोअर निबल हायर निबल की तरफ आ जाएगा। जैसे जो सेम काम हम लोग चार रोटेशन में करते हैं, है ना, अगर देखो हम लोग किसी नंबर को चार बार रोटेट करा दें तो इधर के वो चार बिट वो इधर आ जाएंगे, सही है, और यही काम हम लोग स्वैप के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। स्वैप में एकदम डायरेक्टली ये वाली चार बिट इधर आती है, ये वाली चार बिट इधर आ जाती है। अगर हम लोग इसी को चार बार रोटेट करें, रोटेट राइट करें चार बार, तो क्या होगा, लोअर निबल हमारा हायर निबल की तरफ आ जाएगा और हायर निबल लोअर निबल की जगह पे चला जाएगा। इसी की जगह अगर हम लोग स्वैप कर दे तो एक ही बार में चारों रोटेशन एक बार में हो जाएगा। ये हमारे पास स्वैप इंस्ट्रक्शन होता है। एक होती है हमारे पास NOP, NOP का मतलब होता है नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन मतलब ये कि कंट्रोलर कोई ऑपरेशन नहीं करना है। तो ये क्यों यूज होता है हमारा NOP? इट इज बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड सम डिले, क्योंकि भले ही कंट्रोलर को ऑपरेशन कुछ नहीं करना लेकिन इंस्ट्रक्शन को फेच करने में, उसको डिकोड करने में टाइम तो लगेगा, तो वो एक साइकिल दो साइकिल का डिले हमें मिल जाएगा। अब ज्यादा डिले चाहिए, इसी को हम लोग लूप में लगा देंगे, तो कोई बार बार इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा है, डिकोड कर रहा है, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कहीं पर थोड़ा डिले चाहिए होता तो हम लोग इस ऑपरेशन को, इस इंस्ट्रक्शन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल बिट ऑपरेशन है, यानी कि बुलियन ऑपरेशन। बुलियन में वही जो हम लोग एंड और एक्सोर वहां पे कर रहे थे, वो हमें यहाँ पे कैरी फ्लैग के साथ करना होता है, सही है। जहां पे एक्यूमुलेटर हमारा ए रजिस्टर होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेटर हमारा कैरी फ्लैग होता है। यहाँ पे एक सिंगल सिंगल बिट को हम लोग लेके उस पर ऑपरेशन करते हैं। इसका हमने क्लास में एक बार डायग्राम बना के पूरा प्रोग्राम भी लिखा था कि कैसे उसको जो सिमुलेट करेंगे हम सर्किट को, उसको कैसे हमें रिजल्ट को स्टोर करना रहेगा। तो इसमें हमारे पास देखो, एक तो सी के लिए इंस्ट्रक्शन होंगी, सेम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सी के लिए होंगी और सेम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी भी एड्रेस के लिए होंगी, वो एड्रेस जो बिट एड्रेसेस है। बिट एड्रेसेस हमारे पास दो टाइप के, एक तो रैम में 16 बाइट का एक पूरा होता है जिसमें 128 बिट एड्रेसेस है हमारे पास, है ना, और दूसरा SFRs में, है ना। SFR जो बिट एड्रेसेबल SFR है, उनकी रेंज 80 से FF तक है, वहां पे हमारे पास एड्रेसेस। तो हम लोग के पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम कैरी फ्लैग के साथ में उनके कोई भी एंड या और ऑपरेशन करा सकते हैं, सिर्फ एंड या और ऑपरेशन हम लोग करा सकते हैं उसके साथ। उसके अलावा फिर कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास ऑप्शन रहता है, ठीक है। एंड और नॉट गेट, ये तीन गेट होते हैं हमारे पास, ये कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट गेट बिट ऑपरेशन के लिए। वहां पे हमारे पास इसके साथ एक्सोर भी बाइट ऑपरेशन, ठीक है। तो हमारे पास सेट बी सेट सी, सेट सी मतलब कैरी फ्लैग को सेट करना है और सेट बी बी मतलब जो है कि कोई भी बिट एड्रेस हम लोग देंगे उसको हो जाए। उसके बाद CLRC मतलब कैरी फ्लैग को क्लियर करना है, सही है, और CLRB का मतलब है कोई भी एक बिट एड्रेस हम उसको देंगे उसको वो क्लियर कर देगा, ठीक है। उसके बाद CPLC CPLB सेम कॉम्प्लीमेंट कर देगा उसको, कैरी फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, या ये जो बी है ना यहाँ पे एक्चुअल बिट एड्रेस है जो हम उसको देंगे,
जो भी बिट एड्रेस हम लोग उसको देंगे उस बिट एड्रेस पे जाके उस बिट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। फिर मूव सी बी मूव बी सी कि कैरी फ्लैग से हमारा मेमोरी में जा रहा है डेटा या फिर मेमोरी से कैरी फ्लैग में जा रहा है, ठीक है। ये मूव के हमारे पास दो इंस्ट्रक्शन होगी। इसके बाद एनएलसीबी एनएलसी स्लैश बी, तो एनएलसीबी मतलब दो जो बिट है हमारी वो एंड हो जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये कि अगर हमारे पास गेट कुछ इस टाइप का हो कि ये हमारा एंड गेट है और ए हमारा ऐसे ही जा रहा है और बी जो है वो एक नॉट गेट के साथ जा रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम बी बार के साथ भी उसको एंड कर सकते हैं। तो अगर हमें एनएलसीबी करना है मतलब सी किसी बिट के साथ स्लैश लगाना है तो हम लोग उसमें एनएलसी स्लैश बी, तो स्लैश में मतलब बी बार के साथ हम लोग उसको एंड कर रहे हैं। सेम गोज फॉर और ORL C slash B और ORL C slash B bar, मतलब C slash B मतलब क्या, मतलब slash B है तो B bar से होगा और slash नहीं है तो normal B से हमारा और होगा। ये हमारे पास टोटल मिलाकर के बूलियन इंस्ट्रक्शन। हमें उसको बताना है टाइप्स ऑफ जंप। टाइप्स ऑफ जंप कितने थे? तीन थे हमारे पास। एक था लॉन्ग जंप, दूसरा था शॉर्ट जंप, तीसरा था एब्सोल्यूट जंप। लॉन्ग जंप में हम लोग एड्रेस देते 16 बिट का, तो पूरी मेमोरी में कहीं पे भी जंप कर सकता है, सही। लॉन्ग जंप में हम लोग एड्रेस देंगे 16 बिट का, हमें बताने कि 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन होंगे भाई। एक बाइट का ऑपकोड होगा और 2 बाइट का एड्रेस होगा, 16 बिट का है ना, तो 2 बाइट का एड्रेस होगा। तो हम पूरी मेमोरी में कोई भी एड्रेस देंगे वहां पे जाके सीधा हमारा प्रोसेसर जंप कर जाएगा, वहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट जंप में हम लोग रिलेटिव एड्रेस देते हैं, उसका जो सिंटैक्स जरूर लिखना, ठीक है। एस जंप में एड्रेस रहेगा, एस जंप में एस जे एम पी क्या होगा, आर एड, RAD यानी कि रिलेटिव एड्रेस। यहाँ पे हम लोग साइन नंबर का यूज करेंगे, तो कोई भी एक जगह से 128 ऊपर और 127 आगे जंप कर सकता है हमारा, वो जो प्रोग्राम काउंटर है 127 आगे जंप कर सकता है 127 लोकेशन तक और 128 लोकेशन पीछे तक जंप कर सकता है। तो हमारे पास रिलेटिव एड्रेस होता है शॉर्ट जंप के लिए, इसको शॉर्ट जंप कहते हैं, इसकी रेंज कम होती है। लॉन्ग जंप की रेंज बहुत ज्यादा पूरा, लेकिन इससे फायदा क्या है कि हमारी इंस्ट्रक्शन छोटी हो गई है ना, और सारी कंडीशनल जंप शॉर्ट जंप के बेस पे होती है। किस पे होती है? शॉर्ट जंप। सारी कंडीशनल जंप जितनी होती है वो सबके सब शॉर्ट जंप्स होती है हमारे पास। इसके बाद फिर हमारे पास लास्ट में था एब्सोल्यूट जंप। एब्सोल्यूट जंप में, एब्सोल्यूट जंप में जो हमारे पास रेंज थी वो कितनी थी? 2KB, 2 KB के पेजेस है, हमारे पास रेंज है 2KB। तो 2KB में हमें कितना एड्रेस देना पड़ेगा? 2KB के लिए हमें 11 बिट चाहिए, ठीक है। 2KB के लिए हमें चाहिए 11 बिट, तो इन 11 बिट में से हम लोग 8 बिट देते हैं अपने इंस्ट्रक्शन में, जो जंप करना होता है वो 8 बिट तो हम इंस्ट्रक्शन में देते हैं और बाकी जो 3 बिट होती है तो हमारे पास ए जंप के ऑपकोड से आती है वो 3 बिट, सही है। तो जो टोटल 16 बिट का एड्रेस होगा तो उसमें 5 बिट तो प्रोग्राम काउंटर से आएंगी, ठीक है। 16 बिट का जो एड्रेस होगा 5 बिट आएंगे प्रोग्राम काउंटर से, 8 बिट आएंगे हमारे एड्रेस के इंस्ट्रक्शन से और बीच के जो 3 बिट है वो आएंगी ए जंप के ऑपकोड से। तो ए जंप के टोटल 8 ऑपकोड होते हैं। एस जंप का एक ऑपकोड होता है, एस जंप का एक ऑपकोड होता है, सही। 8 ए जंप के, एब्सोल्यूट जंप के 8 ऑपकोड्स होते हैं अलग अलग, क्योंकि हर 2KB में 8 लोकेशंस होंगी जो सेम 8 बिट को पॉइंट कर रही है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो ए जंप के 8 ऑपकोड्स होते हैं इसीलिए, जिससे कि हमारे जो 3 एक्स्ट्रा बिट है वो वहां से हमारे पास आती है। 3 बिट के लिए 8 कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वो 3 बिट वहां से आती है, उसके ऑपकोड से वो 3 बिट आए तब हमारे पास जाकर टोटल 16 बिट का एड्रेस बनेगा और फिर हम लोग वहां पर जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका भी नोट्स हैं आपके पास, एक ही पेज में लिखे हुए तीनों जंप, वो आपको उतना लिखना है, तो जितना कम से कम ब्लैक से बोल्डेड है जितना वो आपको कम से कम एग्जाम में लिखना ही, बाकी जो है वो पार्ट आप लिखे ना लिखे चल जाएगा, लेकिन वो अगर आप लिखेंगे तो कम से कम 60-80% मार्क्स आपके आ जाएंगे, सही। कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़, कर ले कोई।